Abu Jundal has been sentenced to life imprisonment till death in the Aurangabad Arms Hall case. Six others have also been sentenced to life imprisonment till death. Two convicts have been sentenced to 14 years in jail, while three convicts have been sentenced to 8 years in jail. On 8 May 2006, an ATS team chased two cars on Chandwad Manmad Highway near Aurangabad and seized 30 kilograms of RDX, 10 AK-47 assault rifles and 3,200 bullets, arresting three persons. Jundal, who was driving one of the cars, escaped. He later fled the country and was deported to India from Saudi Arabia in 2012. मुश्ताक जावेद और अफजल इन लोगों को कोर्ट ने 8 साल सजा 20,000 जुर्माना और न भरने पर 1 साल की सजा दी है ये मुश्ताक जावेद और अफजल डॉक्टर शरीफ को और मुजफ्फर को उन्होंने आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट के लिए 14 ईयर्स 14 साल की सजा दी है और 20,000 का जुर्माना लगाया है जुर्माना ना भरने की सूरत में 1 साल की सजा और दी है और दूसरे जो बाकी के एक्यूज थे उसमें मतलब जो है आमिर और असलम कश्मीरी फैसल मुजफ्फर आकिफ और जबीउद्दीन इनको यूएपीए एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट एक्सप्लोजिव एक्ट आर्म्स एक्ट इनके तहत लाइफ सेंटेंस दिया हुआ है कन्विक्शन का जो जजमेंट आया है उस जो अपेरेंटली दिख रहा है बैलेंस अच्छा लग रहा है और रिस्पेक्टेबल जजमेंट है क्योंकि जो तरीके से एविडेंस आया है वो तरीके से एनालिसिस दिख रहा है उसमें फिर भी लेकिन जो बाकी जो लोग छूटे हैं उनके अनुसार हम लोग जब जजमेंट की कॉपी एंटायर टेक्स्ट मिलेगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे